आखिर कावासाकी वाले अपने निंजा जेड एक्सटेनर में इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। और ये प्रॉब्लम पुरानी जेड एक्सटेनर से लेकर नई वाली जेड एक्सटेनर में है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, तो एंड तक देख लो। कावासाकी निंजा जेड एक्सटेनर आज के दिन में किसी की फेवरेट बाइक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जेड एक्सटेनर का प्यार और क्रेज काफी है इंडिया में, लेकिन आपकी ड्रीम बाइक जेड एक्सटेनर बिकम टू ए डेथ मशीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे अरे ये बाइक इतनी खतरनाक है तो डेथ मशीन कैसे नहीं हो सकते, अरे इस बाइक की लुक्स ही इतनी खतरनाक है कि क्या बताए। लेकिन ना ब्रो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मोस्ट एक्सीडेंट सुपर बाइक देखोगे तो इंडिया में आपको पहले ही जेड एक्सटेनर देखने को मिलेगी। कावासाकी निंजा जेड एक्सटेनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैंडल वोबल, और हाँ हैंडल वोबल इसके लिए आम बात भी है, क्योंकि चंद मिनटों में ये आपको चलते चलते हैंडल वोबल दे देती है हाई स्पीड पर। आपको किसी और दूसरी सुपर बाइक में हैंडल वोबल उतना नहीं देखने को मिलता जितना जेड एक्सटेनर में देखने को मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है जेड एक्सटेनर का ऑटोमेटिक स्टीयरिंग डैम्पर। अगर आप दूसरी सुपर बाइक्स में देखो तो लाइक बीएमडब्ल्यू एस 1000RR और हायाबुसा में आपको मैनुअल स्टीयरिंग डैम्पर मिल जाता है, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, मैनुअली हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हो। लेकिन जेड एक्सटेनर में आपको मिलता है ऑटोमेटिक स्टीयरिंग डैम्पर, जो हाई स्पीड में अपना सेंसर काम करने नहीं सकता है और साला हैंडल भी नहीं पकड़ने सकता है ठीक से। तो प्रॉब्लम तो है, तो सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको एक बढ़िया सा आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग डैम्पर देख लेना है, जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए में आ जाएगा। हाँ थोड़ी कॉस्टली है, मगर आप 20 लाख की एक बाइक ले रहे हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए अलग से खर्चा करने में क्या जाता। और जेड एक्सटेनर में तो हैंडल वॉबलिंग इतनी आम बात है कि क्या बताए, पर सेकंड में जैसे आप गाड़ी खींचोगे साला एक बार हैंडल वॉबल होबे करेगा। अगर आप जेड एक्सटेनर पर व्हीली करना चाहते हो तो आप गारंटी जाके मैनुअल वाला स्टीयरिंग डैम्पर ले लो ब्रो, क्योंकि ये बाइक जैसे ही व्हीली से लैंड करती है ना इतना गंदा वोबल करती है कि क्या ही बताए। तो जाके एक मैनुअल वाला खरीद लेना, 1.5 लाख रुपए खर्चा कर देना भाई। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।